क्या हो गया तुम्हें शाहिद? घर आ जाओ बेटा, अभी नहीं आ सकेंगे हम। लड़ाई पर निकले हैं अपने मजहब के लिए। खुदा हाफिज़। अनुभव सिन्हा की अपकमिंग फिल्म मुल्क 3 अगस्त को रिलीज होने वाली है। एक गंभीर मुद्दे पर बनी इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ दर्शकों का मानना है कि अनुभव सिन्हा हिंदू विरोधी हैं। फिल्म मुल्क में एक्ट्रेस तापसी पन्नू और एक्टर ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में प्रतीक बब्बर का किरदार आतंकवादी बने शाहिद मोहम्मद के किरदार पर आधारित है। बनारस के रसूखदार परिवार के मुखिया और मशहूर वकील मुराद अली मोहम्मद अपने मोहल्ले के सबसे चहेते इंसान में से एक है। हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई उन्हें सम्मान देता है। लेकिन बेटे के आतंकवादी साबित होने के बाद मुराद मोहम्मद के पड़ोसी और दोस्त ही उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद उनका खोया स्वाभिमान और मुल्क के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए ऋषि कपूर किन किन मानसिक और सामाजिक परिस्थिति से गुजरते हैं, ये उनके किरदार में साफ झलकता है। फिल्म में ऋषि कपूर ने प्रतीक बब्बर के बड़े अब्बू की भूमिका निभाई है। तापसी पन्नू फिल्म में हिंदू लड़की होने के बावजूद एक मुस्लिम परिवार की बहू का रोल निभाया है, जिसे एक मुस्लिम परिवार के अंदर बेहद प्यार भी मिला है। वहीं पेशे से वकील आरती मोहम्मद का किरदार भी दर्शकों के दिलों में जीतने में कामयाब होता है। वकील की भूमिका में तापसी पन्नू कहीं कहीं कमजोर लगी, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को बाद में बेहद मजबूती के साथ पर्दे पर पेश किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। आशुतोष राणा, काफी दिनों बाद पर्दे पर आप इन्हें देखेंगे। मुल्क में एक्टर आशुतोष राणा एक सरकारी वकील की भूमिका में हैं। उनके किरदार का नाम संतोष आनंद है। संतोष आनंद के नाम से मशहूर वकील आशुतोष राणा अपने दमदार डायलॉग से हर दर्शक का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, तो फिर कौन कौन कैसा है ये कौन बताएगा? इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। बीच बीच में आशुतोष ने हिंदू मुसलमान को लेकर समाज में दोहरी मानसिकता को भी अपने डायलॉग्स के द्वारा बयां करने की कोशिश की। इसे देखकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने अभिनय को पूरी ईमानदारी से निभाया है। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए ग्रेट नेशन न्यूज़।